Hi, this is Jogendra Tuteja at Tuteja Talks Desi Martini, and let me share with you what I feel about Uri the Surgical Strike. फिल्म जो है वो एक रियल लाइफ घटना पर आधारित है कि कैसे इंडिया पर पहले अटैक किया गया था एंड आफ्टर दैट इंडिया रिटेलिएटेड बाय कमिंग अप विद द सर्जिकल स्ट्राइक। फिल्म का जो कोर थीम है वो पहले ही सीन से एस्टेब्लिश किया जाता है, बट देन उसके बाद मुझे कुछ ऐसा लगा कि जो पूरा का पूरा फैमिली एंगल दिखाया गया विकी कौशल का, वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा खींच दिया गया। उनकी मदर दिखाई है जिनको अल्जाइमर्स है, उसके अलावा उनकी सिस्टर, उनके ब्रदर इन लॉ जिनको मोहित रैना ने प्ले किया है, वहाँ पर जो भी थोड़े बहुत एपिसोड्स हैं वो शायद कटेल किए जा सकते थे, बिकॉज वॉट यू वॉन्ट टू सी ऑन स्क्रीन इज द सर्जिकल स्ट्राइक होती है, बट देन प्राइमरली इट्स अ सेकेंड हाफ ऑफ द फिल्म एंड दिस इज वेयर द फिल्म रियली गेन्स अ लॉट ऑफ मोमेंटम, बिकॉज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एंटायर सेकेंड हाफ इज कि जो नरेटिव है उसमें द स्क्रीन प्ले हैज गॉट द मैक्सिमम रोल टू प्ले, बिकॉज लास्ट की अगर हम देखें 30-40 मिनट तो डायलॉग्स तो है ही नहीं। देयर दिस एंटायर सर्जिकल स्ट्राइक जो अंधेरे में हो रही है, सन्नाटे में हो रही है, ऐसा नहीं है कि लोग आपस में बात कर रहे हैं, इशारों से ही सारे के सारे सिग्नल्स दिए जा रहे हैं एंड फ्रॉम देयर ऑन द एंटायर स्ट्राइक कम्स अक्रॉस अलाइव ऑन द बिग स्क्रीन। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगता है देखना, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट द एंटायर स्क्रीन प्ले पार्ट, बट उसके साथ जो टेक्निकल विजार्ड है दैट्स ऑल्सो कमिंग इन टू प्ले। सो वेदर इज अ बैकग्राउंड स्कोर, वेदर इज अ साउंड डिजाइन, वेदर इज अ सिनेमेटोग्राफी, वेदर इज द एंटायर डिजाइनिंग ऑफ द एक्शन सिक्वेंसेज एंड देन ऑफकोर्स द एंटायर रियलिज्म दैट कम्स इन, आपको देखना अच्छा लगता है। What you also like to see are the kind of performances which are there on the big screen. It's a Vicky Kaushal film all the way. Of course, Mohit Raina bhi hai. But then, unka jo role hai, wo thoda sa chota hai. Vicky Kaushal is someone who's there from start till the end. Unke alawa, agar kisi ka meaty role hai film mein, to that is of Paresh Rawal, jo dikhaye hai ki kaise pura ka pura jo mission hai, usko execute karte hai. Beyond them, there are two leading ladies as well. Yami Gautam hai, but bahut hi chota sa role hai. Kirti Kulhari, उनसे भी कम रोल है, नो वंडर शी इज देयर इन अ स्पेशल अपीयरेंस। उसके अलावा रजत कपूर भी हैं जो प्राइम मिनिस्टर के रोल में दिखाए गए हैं, उनका भी ठीक ठाक सा काम है, बट ओवरऑल इट्स अ विकी कौशल फिल्म ऑल द वे। बट देन द मैन हु एक्चुअली मेक्स इट पॉसिबल इज डायरेक्टर आदित्य धर, बिकॉज जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उनका जो मीडियम है उस पर स्ट्रैंगल होल्ड बहुत अच्छा है। इवन दो इज अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगता कि दिस इज समवन हु इज मेकिंग अ फिल्म फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन बॉलीवुड। वो इंस्पायर्ड डेफिनेटली हुए हैं जो हॉलीवुड की फिल्में होती हैं, जो मरीन फिल्में होती हैं, जो स्नाइपर्स के ऊपर बेस्ड होती है। ऑफकोर्स यू ऑल्सो एंड ऑफ रिमेंबरिंग जीरो डार्क 30, दो दैट वन वॉज ऑफ अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। दिस वन हैज गॉट सम काइंड ऑफ बॉलीवुड एलिमेंट्स इन इट, एस्पेशली इन द फर्स्ट हाफ, बट येस इट सर्टनली कम्स ऑन इट्स ओन इन द सेकेंड हाफ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो तालियां सीटियां बजती भी हैं, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द डायलॉग्स, इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ सर्टन शॉट्स इन द फिल्म, सर्टन सीन्स इन द फिल्म, सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटायर नरेटिव, जहां पर आप मजबूर हो जाते हैं कि आप स्टैंड अप करें एंड देन यू ऑल्सो क्लैप इन यूनिसॉन, एंड दैट्स द रीजन वाई दिस फिल्म रियली बिकम्स एन इंटरेस्टिंग वन। आपको पेट्रियोटिक जो चीज़ है उसका तो थीम मिलता ही है, बट जो एक्शन पैक्ड नरेटिव है आपको उसमें भी मजा आता है, एंड दैट्स द रीजन वाई माई ओवरऑल रेटिंग फॉर द फिल्म इज 3.5 स्टार्स। दिस जोगेंद्र टुटेजा साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुटेजा टॉक्स देसी मार्टिनी।